सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शो काफ़ी शानदार रहा, प्रीमियम आपका। कुछ आप बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का, और जो आपने फर्स्ट जो शूट किया जो स्टोन को लेके उसका थोड़ा अगर आप बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका प्यार देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। और शूट हमने अलवर में किया है, 48 डिग्रीज में शूट किया था जहाँ तक मुझे याद है। और एक एक्टर के लिए आई थिंक जब काम कर रहे हो तो गर्मी सर्दी सब साइड पे रह जाती है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैम आप बताइए हाउ वाज एक्सपीरियंस, आप भी काफ़ी बाय एक्टिवा से आप जा रही है तो थोड़ा कुछ अगर आप बताइए। मैंने तो स्कूटी चलाना सीखी कैरेक्टर के लिए भी, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, बट आई लव द फीलिंग कि उसको चलाते टाइम जो ऐसा हवा आ रही थी और मैं LUP के बैक वाटर्स के साइड पर स्कूटी चलाता था, बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत मज़ा आया। शूट करते हुए भी बहुत मज़ा आया और अभी देखते हुए उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। आपका शो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, दो स्टेट दो कल्चर को दिखाने रहा है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नॉर्थ और साउथ का काफ़ी गैप रहता है, तो ये शो टेलीविजन शो कितना इम्पोर्टेंट होगा। आई थिंक द गैप इज फॉर दिस रीजन ओनली दैट वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर दैट वे एंड नॉट डू वी स्पीक वेरी ओपनली अबाउट, सो नाउ दैट आवर शो इज हियर वी आर टॉकिंग वेरी ओपनली अबाउट द थिंग्स दैट आर वेरी बेसिक एंड नेचुरल, तो हम लोग यूजली बात ही नहीं करते उसको, जस्ट लेट गो कर देते हैं। तो आपको काफ़ी ऐसा देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं और जो डिफरेंसेस हैं उसको तो हम लोग आप देखिए कैसे। आपने कितना तैयारी की, हरियाणवी जो डायलेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ी मेहनत लगती है किसी भी कैरेक्टर को निभाने के लिए और इसका बिहेवियर से लेके एक्शन से लेके सब कुछ बहुत डिफरेंट था, तो बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में, लेकिन आप सबका इतना प्यार देख के वो मेहनत मतलब सफल हो जाती है। ओके आखिर में अपने फैंस से कुछ कह दीजिए लास्टली सवाल। यही कहना चाहेंगे कि प्लीज वॉच आवर शो मंडे टू फ्राइडे एट 9 PM ओनली ऑन कलर्स हरकुल मोहिनी। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, शो काफ़ी शानदार रहा, प्रीमियम आपका। कुछ आप बताना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस शूट का, और जो आपने फर्स्ट जो शूट किया जो स्टोन को लेके उसका थोड़ा अगर आप बता सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका प्यार देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आ रहा है। और शूट हमने अलवर में किया है, 48 डिग्रीज में शूट किया था जहाँ तक मुझे याद है। और एक एक्टर के लिए आई थिंक जब काम कर रहे हो तो गर्मी सर्दी सब साइड पे रह जाती है, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैम आप बताइए हाउ वाज एक्सपीरियंस, आप भी काफ़ी बाय एक्टिवा से आप जा रही है तो थोड़ा कुछ अगर आप बताइए। मैंने तो स्कूटी चलाना सीखी कैरेक्टर के लिए भी, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, बट आई लव द फीलिंग कि उसको चलाते टाइम जो ऐसा हवा आ रही थी और मैं LUP के बैक वाटर्स के साइड पर स्कूटी चलाता था, बहुत अच्छा फीलिंग था, बहुत मज़ा आया। शूट करते हुए भी बहुत मज़ा आया और अभी देखते हुए उससे भी ज़्यादा मज़ा आया। आपका शो कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, दो स्टेट दो कल्चर को दिखाने रहा है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल नॉर्थ और साउथ का काफ़ी गैप रहता है, तो ये शो टेलीविजन शो कितना इम्पोर्टेंट होगा। आई थिंक द गैप इज फॉर दिस रीजन ओनली दैट वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर्स कल्चर दैट वे एंड नॉट डू वी स्पीक वेरी ओपनली अबाउट इट, सो नाउ दैट आवर शो इज हियर वी आर टॉकिंग वेरी ओपनली अबाउट द थिंग्स दैट आर वेरी बेसिक एंड नेचुरल, तो हम लोग यूजली बात ही नहीं करते उसको, जस्ट लेट गो कर देते हैं। तो आपको काफ़ी ऐसा देखने को मिलेगा कि नॉर्थ और साउथ में काफ़ी सिमिलैरिटीज भी हैं और जो डिफरेंसेस हैं उसको तो हम लोग आप देखिए कैसे। आपने कितना तैयारी की, हरियाणवी जो डायलेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। बड़ी मेहनत लगती है किसी भी कैरेक्टर को निभाने के लिए और इसका बिहेवियर से लेके एक्शन से लेके सब कुछ बहुत डिफरेंट था, तो बहुत मेहनत लगती है हर चीज़ में, लेकिन आप सबका इतना प्यार देख के वो मेहनत मतलब सफल हो जाती है। ओके आखिर में अपने फैंस से कुछ कह दीजिए लास्टली सवाल। यही कहना चाहेंगे कि प्लीज वॉच आवर शो मंडे टू फ्राइडे एट 9 PM ओनली ऑन कलर्स हरकुल मोहिनी। थैंक यू।